morning, students. Again, today is 29th July 2020, and I am going to teach 10th class physics. Today's topic is resistance of a conductor. You know, conductor kya hota hai? The substance which allows the electric current to pass through it. ठीक है, जिसमें से electric current pass हो जाता है उसको हम conductor कहते हैं. Okay, लेकिन उसी कंडक्टर में वही जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकता भी है. कैसे? थ्रू रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर में ही अपने आप में ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने को रोकने की इसमें क्या है? क्षमता है. तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहा जाता है. ठीक है, एवरी कंडक्टर हैव सम रेजिस्टेंस. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस? दैट इज आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई फ्रॉम द ओम्स लॉ, जो कि हमने पहले पढ़ा. नाउ the mathematical definition of resistance is also there. It may be defined as the ratio of the voltage to the electric current, yeah, the potential difference to the electric current. This is also the definition of resistance. And in microscopic form matlab hum bahut chote dimensions mein chale jaye ki resistance ka cause kya hai. theek hai, to unko dhyan mein rakhte hue hum jo resistance ka formula banate hain वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू रो. रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ये क्या होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर. ठीक है, मींस कि कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब उसी का होगा. ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है पर्टिकुलर मटेरियल की, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं. तो उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम उस कंडक्टर की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर. तो वी विल ऑब्टेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, चाहे जितना मर्जी वो लेंथी हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका इतना हो, जितना मर्जी हो. ठीक है, आप सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो उसके क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. नाउ ये रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? सो व्हाट हैपेंस कि कंडक्टर जो है उसमें कंडक्टर जो बना हुआ है वो बहुत सारे एटम से बना हुआ है और एटम से में जो कंडक्टर के एटम होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. When these electrons move under the potential difference applied across the hands of the conductor, then what will happen? They collide with the positive ions of the conductor as well as the other electrons of the conductor. ठीक है, जब वो स्ट्राइक करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में और उनको चलने में जो है वो अपोजिशन फील होती है. दैट अपोजिशन